सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एलाकॉस्टिक। अगर एलाकॉस्टिक की बात कर लूँ तो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक कंपनी हो जाती है अपनी। हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे बेस रखी हुई है। और मैं गाइस एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आप लोग देख सकते हैं लाइट्स लगी हुई हैं, शार्पीज, अपना ट्रस्ट देख सकते हैं। सो फाइनली गाइस फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस मेरा नाम है राहुल एंड आप लोग देख रहे हैं राहुल चरण डीजे व्लॉग्स। गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है यार, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लाता रहता हूँ। सो आज आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे एक काफ़ी बड़ा इवेंट हो रहा है जो कि अपनी IIT रुड़की में हो रहा है। सो गाइस आज हम आ चुके हैं रुड़की सिर्फ आप लोगों के लिए। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, यहाँ पे जो साउंड लगा हुआ है वो बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाता है। मैंने अभी जस्ट छोटी सी टेस्टिंग सुनी थी जो कि एक सिंपल ऐड था, लेकिन उसमें जो मेरे को फील आया ना गाइस, जबकि कंप्लीट सेटअप अभी रन भी नहीं कर रहा है। सो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एलाकॉस्टिक। अगर एलाकॉस्टिक की बात कर लूँ तो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से एक कंपनी हो जाती है अपनी एलाकॉस्टिक, जिसमें कि भाई इनका काफ़ी सारा सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे। तो इवेंट हम पूरा कवर करेंगे, मगर उससे पहले बोलेंगे गाइस जो भी चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और अभी आप मेरे पीछे देख पा रहे हो काफ़ी बड़ा भाई कॉन्सर्ट है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे आके जो है शार्पीज भी कुछ अलग ही देखी है, मतलब कंप्लीट सेटअप देख के भाई मेरे तो सच्ची में मैं आपको बताता हूँ सर घूम चुका है। तो वही चीज़ मैं अब आपको एक्सपीरियंस कराने वाला हूँ, मगर उससे पहले भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बढ़िया से। और हम ये भी बताएंगे ये इवेंट किन के द्वारा है। तो अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सेटअप दिखाते हैं आपको, लेट्स गो। फाइनल गेस्ट सबसे पहले हम लोग यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाले सेपरेट पार्ट से। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं हमारे आर्ट लाइनर है, और ब्रांड मैंने आपको बता ही दिया है ये सब जो है एलाकॉस्टिक लगा हुआ है। अगर आर्ट लाइनर की बात करें तो काफ़ी अच्छे इनका आउटपुट हमें देखने के लिए मिल रहा है, एंड देन उसके ऊपर उसे ट्रस्ट से हैंग अप करा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके का सेटअप हो जाता है, बिल्कुल ही अलग तरीके का मेरे को देखने को मिल रहा है, और मेरा खुद का फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, मेरे को देख के पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे ये लाइनर लगे हुए हैं, जस्ट इसको कंट्रोल करने के लिए नीचे से यहाँ पे इनके आई थिंक ये सेट लगे हुए हैं। अगर हम सीरीज़ की बात कर रहे हैं LA 12X सीरीज़ हो जाती है, आप लोग देख पा रहे हैं, और ये सब यहाँ पे हो जाता है 25 और 26 आई थिंक इनका सीरियल नंबर है, जो मतलब खुद की इन्फॉर्मेशन के लाइक जैसे 1 2 3 4 इन्होंने रखी हुई है सीरीज़। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वायरिंग की बात कर लूँ गाइज, मैंने कभी नहीं देखा इतने मोटे वायर लाइनर्स पे यूज़ करते हुए, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एंड देन अगर हम इधर की बात कर लें तो मतलब सेम एक जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, देन जस्ट दूसरी साइड जाएंगे तो सेम एक छोटा यहाँ पे लगा हुआ है लाइनर है, ये 8 लाइनर का हैंग अप किया हुआ है, देन जस्ट सेम इसका सिमिलर बिल्कुल जस्ट दूसरी साइड किया हुआ है। और अगर हम लोग इधर की बात कर लें तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है एक LED वॉल, एक बीच में लगी हुई है काफ़ी बड़ी वॉल है उसे हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक छोटी LED वॉल लगी हुई है। और ये साउंड का आउटपुट काफ़ी नेक्स्ट लेवल आ रहा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं लाइट्स लगी हुई है, शार्पीज, अपना ट्रस्ट देख सकते हैं आप लोग, मेरे को ट्रस्ट काफ़ी बड़ी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पे। देन यहाँ पे जो है कंप्लीट सेटअप इनका रखा हुआ है, जो केस वगैरह होता है आई थिंक सेट्स का हो गया और आपके एम्पलीफायर्स का हो गया, एंड क्या क्या है भाई देखिए काफ़ी कुछ नया देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पे। अब इन वाले लाइनर्स की बात कर लें तो यहाँ पे हमें ये 12 लाइनर्स का सेट देखने के लिए मिल जाता है, मैं देख पा रहा हूँ 4 आई ब्लेंडर्स भी देखने को मिल जाते हैं हमें, और शार्पीज आप लोग देख सकते हैं कुछ नेक्स्ट लेवल के हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है इनका, दिखाएंगे हम लोग कम्प्लीट। सो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दिखाते हैं आपको LED, कुछ LED इस प्रकार से है जिसका कि ये सेटअप कर रहे हैं अभी भी। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं यहाँ पे बेस रखी हुई है, और मैं गाइस एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, थोड़ा सा फील करो बेस किस प्रकार से आ रही है यहाँ पे, मेरे को तो कुछ अलग ही फील होने का मिल रहा है। देखो ऐसा लग रहा है मैं आउटडोर हॉल में आ गया हूँ, थिएटर वाला सीन आ रहा है। लाइनर्स का आउटपुट काफ़ी अच्छा है गाइस, और ऐसे ही नहीं गाइस ये वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में आती है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 अपने बेस रखे हुए हैं बड़े बड़े, एंड देन यहाँ पे भी अपने 3 बड़े हुए बेस रखे हुए हैं। ओह माय गॉड गाइस आउटपुट, देन यहाँ पे 2 अपने इधर बेस हो जाते हैं, इधर वाला जो सेटअप है अपना 8 बेस का है, देन 8 ही नहीं खाली मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे 8+2 और 2 12 बेस हो जाती है। देन अपना लाइनर है आप लोग देख सकते हैं, आउटपुट एक बार देख सकते हैं, और कंप्लीट सेटअप कुछ इस तरीके का हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे शार्पीज लगी हुई है गाइस कंप्लीट। अगर काउंटिंग की बात कर लूँ तो मैं ऐसे जस्ट काउंटिंग नहीं बता सकता शार्पीज की, मगर आप इवेंट इन्जॉय कीजिए लाइक किस तरीके का इन्होंने इवेंट करा हुआ है। और ये देखिए गाइस ये लगा हुआ है यहाँ पे भी, आप लोग पार लाइट लगी हुई है यहाँ पे, और मतलब कुछ नया नया देखने के लिए मिल रहा है, थोड़ा इवेंट देखिए किस टाइप का हो जाता है।
माय गॉड नाइस। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे भी रखे हुए हैं लाइनर्स। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है गाइज, अभी जो है कंप्लीट जो है ना, एक वॉल्यूम जो होता है ना, इन्होंने पूरी तरीके से ऑन भी नहीं करा। अब अगर हम वहीं की बात कर ले सामने की, तो सेम वही उधर 12 लाइनर टंग रहे हैं अपने, देन उसके बाद उधर अपने छोटे 8 लाइनर लग रहे हैं, तो सेम सेटअप हो जाता है। देन उसके बाद हम दिखाते हैं आपको कंप्लीट सेटअप की जो वायरिंग है वो यहां से होकर चल रही है। एंड इस कॉन्सर्ट के नाम की अगर हम लोग बात कर ले, तो ये कॉन्सर्ट थॉम्सो हो जाता है अपना IIT रुड़की में। देन यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, एंड यहाँ पे भी अपने अरेंजमेंट हुए हैं, आई थिंक ये स्टैंडिंग अरेंजमेंट है। और यहाँ पे सामने से जो है सारा अपना जो है मतलब टोटल साउंड यहीं से रन हो रहा है। और ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ से जो है वायरिंग किस तरीके से जा रही है, ये सब वायरिंग यहीं तक जा रही है अपनी साउंड को लेकर के। और यहाँ पे हमारे भैया लोग लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये अपना कंसोल हो जाता है कुछ इस टाइप का। और कुछ नया कंसोल हमें देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे DJ को लिखा हुआ है, आई थिंक ये इसकी कंपनी है DJ को। और कुछ नया ही देखने के लिए मिल रहा है, सेट करके गए हुए भैया। गाइस फील करो कितना मज़ा आ रहा होगा, मैं लाइव इवेंट देख रहा हूँ, मेरे को पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस तरीके के इवेंट में आए, काफ़ी बड़ा इवेंट है। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ एक छोटा सा मॉनिटर रखा हुआ है, आई थिंक ये जी ये छोटा एक मॉनिटर है, मेरे को नहीं पता रीज़न क्या है। एंड सेकेंडली यहाँ पे हमारे भैया लगे हुए हैं। सो भैया ये जो कंसोल लगा हुआ है ये अपना साउंड के लिए है या लाइट्स, ये साउंड सारा इससे प्रोवाइड हो रहा है? ठीक है, ये अपना साउंड जो सारा यहाँ से चल रहा है। और यहाँ पे हमारे भैया, क्या नाम है भैया? आपका नाम सोमन, ठीक है सोमन नाम है भैया का हमारे। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे चले, यहाँ पे आगे चलते ही हमारा आई थिंक लाइटिंग का सारा जो कंट्रोल है वो यहाँ से हो रहा है। थोड़ा चलते हैं हम लोग, यहाँ पे फैन वगैरह लगाए हुए हैं, थोड़ा लाइट देखते हैं जरा हम भी। सो आई थिंक यहाँ से जो है अपनी लाइट्स कंट्रोल हो जाती है भैया, यहाँ से क्या अपनी लाइट्स कंट्रोल हो रही हैं? ठीक है, कुछ इस तरीके का हो जाता है अपना। भैया क्या बोलते हैं इसको? लाइट कंसोल। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो है अपना लाइट कंसोल हो जाता है, वहाँ पे अपना साउंड कंसोल है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से भैया लाइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? सचिन नाम है। तो सचिन भैया हमारे यहाँ पे लाइट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड अगर पीछे की बात कर लूँ तो वहाँ पे हमारा मिनी पर्ल हो जाता है, 10-24 वहाँ पे मिनी पर्ल रखा हुआ है। और यहाँ पे हमारे भैया लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। तो गाइस फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट का एक्सपीरियंस हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपना ग्रैंड एमए कंसोलर 2। और यहाँ पे जो है भैया अपना लाइट कंसोल से पूरा वर्क कर रहे हैं। सचिन भैया हमारे साथ है यहाँ पे, एंड आप लोग देख सकते हैं इसमें भैया पेजेस वगैरह बनाने पड़ते हैं। अच्छा अगर हम लोग भैया लाइट्स की बात कर ले, थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए, लाइट्स कौन सी कंपनी की लगी हुई है अपनी? सर बहुत सारे अलग अलग कंपनी। अच्छा अलग अलग कंपनी है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे भैया बता रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की लाइट्स लगी हुई हैं, और आउटपुट जो है भाई काफ़ी अच्छा आ रहा है, मैं पर्सनली बताऊँगा। गाइस लाइट ऑपरेट करना, साउंड चलाना एक अलग ही साइंस हो जाती है, मैंने आपको भाई पहले भी बताया, काफ़ी अलग ही साइंस है यहाँ पे ये। और ये क्या लगा हुआ है, क्या बोलते हैं? स्पॉटलाइट लगी हुई है। अच्छा, देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी स्पॉटलाइट भी लगी हुई है, तो मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ। भैया ये स्पॉटलाइट का क्या यूज़ है यहाँ पे? ओके, देखिए ये स्पॉटलाइट हो जाती है इस टाइप की, अगर आप लोग देख पा रहे हो बीच में। ओके नाइस,
जो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे ये उन पे स्पॉट करेगी। ठीक, नाइस। देखना चाहेंगे हम थोड़ा सा कंसोल कैसा है इसका। देखिए यहाँ पे इस टाइप का हो जाता है अपना स्पॉटलाइट का कंसोल। नाइस। क्या नाम है आपका? अर्पित कुमार। धन्यवाद अर्पित भैया। देखिए ये स्पॉटलाइट है अपनी और भैया ने बता दिया जैसे कोई परफॉर्म करता है तो ये उसके लिए यूज में आती है। और स्मोक वगैरह आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से कॉन्सर्ट हो रहा है यहाँ पे। मेरे को गाइस नेक्स्ट लेवल फील आ रहा है पर्सनली फर्स्ट टाइम इस तरीके का इवेंट में आके। और यहाँ पे मिनी पल भी रखा हुआ है। ये मिनी पल हो जाता है। देन यहाँ से अपना साउंड कंट्रोल हो रहा है। ये एलईडी कंट्रोल हो रहा है भैया यहाँ से। ये भैया यहाँ से एलईडी कंट्रोल हो रहा है क्या? ठीक है, यहाँ से अपना एलईडी कंट्रोल हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। सामने ऐड चल रहा है यहाँ पे और इस टाइप से यहाँ से इन्होंने रन करा हुआ है ऐड। In the world where most people fit in, there are those who stand out by just being themselves. चेक हेलो चेक चेक हेलो दिव्या New Charisma XMR, live the legend.